हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग अ डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ चैप्टर पॉलिनोमियल। यस और नो? यस। सो टुडे नाउ वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है। अब ये बताओ कि ऑल जीरोज फाइंड करना है, तो पहले बताओ कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री का, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होने चाहिए? 4 मिन, ये सुनो, आप पढ़ चुके हो पहले कि nth डिग्री इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम n रूट्स। मैक्सिमम तो इसके 4 ही हो सकते हैं, उससे कम जरूर आएगा। 5 नहीं होंगे, 4 होंगे मैक्सिमम, उससे कम 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यस ना? लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। बट एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि सॉरी कि इफ इट्स टू रूट्स आर टू जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू। दो जीरोज के बारे में बोल चुका है कि पहला जीरोज क्या है, रूट टू, और दूसरा क्या है, माइनस रूट टू। लेकिन इसके कितने रूट होने चाहिए? 4। हमको यही दो और फाइंड करना है। यस नो? यस। ये तो कंफर्म पता चल गया कि ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके 4 रूट्स होंगे। दो जीरोज दिया हुआ है तो दो हमको और फाइंड करना है। यस नो? तो अब बताओ हमको, ये तो आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर सपोज करो किसी क्वेश्चन में कि एक्स इज इक्वल टू टू मेरा क्या है, जीरोज है, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू टू अगर उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो मेरा रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? 0। तभी तो इसको जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स इज इक्वल टू, मान लो कि एक्स इज इक्वल टू टू रूट्स है, तो एक्स माइनस टू क्या हो गया मेरा, फैक्टर। तो आपको सबको पता है, 9 में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, या सुनो। तो यही है कि अगर एक्स इज इक्वल टू रूट टू ये जीरोज बोल रहा है, तो एक्स माइनस रूट टू क्या हो गया, फैक्टर। अब यहाँ पे देखो क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू भी जीरोज है, तो माइनस को उधर ले जाओ, तो एक्स प्लस रूट टू भी क्या होगा, फैक्टर। या सुनो, यस। तो अगर एक्स प्लस रूट टू और एक्स माइनस रूट टू दोनों फैक्टर है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, फैक्टर। तो हर चीज़ को हम प्रॉपर में लिख दें, देख लो, एक्स इजकल टू रूट टू एंड एक्स इजकल टू माइनस रूट टू आर टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट मीन्स एक्स इजकल टू रूट टू इज रूट्स, देन एक्स माइनस रूट टू, देखो रूट टू को इधर भेजो, है ना, तो एक्स माइनस रूट टू क्या होगा, विल बी अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। सिमिलरली ऑल्सो एक्स इजकल टू क्या है, तुम्हारा माइनस रूट टू भी जीरोज है, एक्स प्लस रूट टू विल बी ऑल्सो अ फैक्टर। जब मेरा एक्स माइनस रूट टू और एक्स प्लस रूट टू दोनों फैक्टर है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर होना चाहिए। यस, इसीलिए एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दैट मीन्स अगर वो फैक्टर है, यानी कि अगर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू से अगर उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि फैक्टर बोल रहा है। जैसे टू इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो अगर 2 को 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फैक्टर का मतलब ही ये होता है कि अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए, 100% आएगा। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू जो मेरा गिवन पॉलिनोमियल है उसका वो फैक्टर है, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0। डिवाइड करके देख लेते हैं, चलो आ जाओ डिवाइड करो इसको, है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू, और ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ था, अब ये बोल रहा है तो पहले डिसाइड कर लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इसका फैक्टर है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आना चाहिए, नहीं आया तो आप गलत डिवीजन कर रहे हो, या क्वेश्चन फिर गलत हो सकता है। या इसको डिवाइड करो, पहला डिवीजन किससे जाएगा, 2x² मल्टीप्लाई करो, 2x² इंटू कितना होगा, 2x4, फिर माइनस 2 इंटू 2x² माइनस 4x², ये प्लस साइन है माइनस, ये माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, जो बचा सो लिखो माइनस 3x³ लिख दिए, फिर देखो माइनस 3x² प्लस 4x² प्लस x², जो बचा प्लस 6x माइनस 2 लिख दिए। अब क्या से डिवीजन होगा, देखो माइनस 3x से, माइनस 3x से सबको मल्टीप्लाई करो, कितना है माइनस 3x³ प्लस 6x, देखो माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा तुम्हारे, देखो यहाँ x² ये 6x भी कट गया बेटा, x² माइनस 2 बचा, सेम बच गया, प्लस 1 सेम आया, x² माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या आया आपका, 0। बात बनी कि नहीं बनी, हो गया। तो अब हम यहाँ अप्लाई कर देंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेम चीज़ अप्लाई करो, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड क्या है तुम्हारा, ये है 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इजकल टू, डिविडेंड क्या है, x² माइनस 2 प्लस इंटू, सॉरी, कोशेंट क्या है,
आपका जो आया 2x² - 3x + 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो बेटा 0 आया आपका, यस नो। अब देखो x² - 2 को हम ये भी लिख सकते हैं, x - √2x + √2 को समझता पहले, अब इसको हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये 2x² 3x को ब्रेक कर दो, -2x - x हो गया, 2x² - 2x - x + 1 ये ऐसे लिख दीजिए, x - √2 × x + √2। अब देखो ये दोनों में कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा 2x, तो क्या बचा है x - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 कॉमन लीजिए x - 1, ओके। सेम लिखो x - √2 × x + √2 लिख दिए, अब ये देखो क्या है यहाँ पे, ये कॉमन लो यहाँ से x - 1, तो x - 1 2x - 1। अब देखो this is equal to 0, 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 यहाँ पे x = √2, x = -√2, ये तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, अब इसको जीरो करो तो x = क्या आया, 1, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था, तो 4 जीरो मिला कि नहीं, √2 - √2, और मेरा दो और कौन सा जीरो आया, 1/2, और x = 1। यह सिंपल सा टेक्निक है इसको सॉल्व करने का, और भी इसमें क्वेश्चंस हैं आप लोग कीजिएगा, ओके देख लीजिएगा, ओके चलो ठीक, थैंक यू।